कैथल से भाजपा की टिकट के लिए पालाराम सैनी ने ताल ठोक दी है। पालाराम सैनी की उम्मीदवारी को आगे बढ़ाने के लिए सोमवार को कैथल के अनाज मंडी में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के सीनियर नेता संजय जोशी ने पालाराम सैनी को आशीर्वाद दिया। हम सब पालाराम जी का राजनीतिक कद बढ़े, पालाराम जी राजनीतिक क्षेत्र में आगे जाए, इसकी कामना लेकर आशीर्वाद देने हम सब लोग पहुंचे। पालाराम सैनी ने उम्मीद जताई कि कैथल से पार्टी उनको चुनाव मैदान में उतारेगी। पालाराम सैनी ने दावा किया कि कैथल की जनता कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला को हराने का मन बना चुकी है। इस रैली से मुझे पूरा विश्वास है और हमारे बीच में पूर्व में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय जोशी जी, जिनको मैं अपना आदरणीय मानता हूँ, उनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, वो मेरी तह दिल से मदद करेंगे। जितने साथी यहाँ पे आए हैं सब मुझे आशीर्वाद देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कैथल से मुझे टिकट मिलेगा। सुरजेवाला जी को तो 10 बजने से पहले कैथल की जो जनता है वो हरा के भेजेगी। कैथल की जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। जन आशीर्वाद रैली में पालाराम सैनी ने अपनी भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी दी। पालाराम सैनी ने कहा कि कैथल की नई बसी कॉलोनियों की सीवरेज की समस्या के समाधान के लिए वे पहल के आधार पर काम करेंगे। आज जिस भी कॉलोनी के अंदर हम जाते हैं, चाहे वो चरणजीत कॉलोनी है, राजेंद्र कॉलोनी है, नेहरू गार्डन है, कोई भी कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है। तो साथियों, मेरे दिमाग के अंदर अनेकों योजनाएं हैं। हाल ही में कुछ बदमाश लोगों ने हमारे मंडी के एक आड़ती के बेटे को गोली मारी थी, मुनीश को। साथियों दोस्तों, अगर मुझे इस कैथल की जनता ने मौका दिया, संगठन ने मौका दिया, तो उस भाई के नाम से गेट बना हुआ है मंडी के नजदीकी। अगर मुझे मौका मिला तो उस भाई के नाम से किसी न किसी चौक का हम नामांकन करेंगे। वो जो साथी था हमारा भाई, वो शहीद हुआ है, उसकी हत्या नहीं हुई है, वो शहीद हुआ है, उसने बदमाशों का मुकाबला किया है। तो मंडी के सम्मानित आड़तियों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें, मेरा सहयोग करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।